आज खास जो बैठक है वो इसलिए है कि हमारी पार्टी का जो रिजल्ट आया है 100% स्ट्राइक रेट, तो तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है और महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि जैसे ही पार्लियामेंट का ये जो सत्र है, बजट सत्र, ये ख़त्म होगा तो इसके बाद में इमीडिएटली हम लोग एक हमारे तमाम जीते हुए जो सांसद हैं ये लोगों का एक सत्कार समारोह रखना चाहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता हर एक ज़िले के यहाँ पर पुणे में मौजूद रहेंगे और अगले एक दो रोज़ के अंदर जा कर के हम लोग इसकी डेट भी फाइनल कर लेंगे। होपफुली जो है वो हमारा इरादा है कि 1 अगस्त जो है वो हम लोगों को ज़्यादा सूट कर रहा है, तो उम्मीद है कि 1 अगस्त की हम लोगों को डेट मिल जाएगी और उसी दिन ज्योतिबा फुले जी का भी जन्मदिन है और उसी की आज मेन चर्चा हुई है कि किस तरह से करना है सारा प्रोग्राम। और अगले 2-3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है और आगे भी हम लोगों की बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, ये लोगों से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक के उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि हम लोग एनडीए का भाग थे और एनडीए का भाग ही रहेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है वो बढ़ 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 चढ़ कर एनडीए के जो भी हमारे साथी होंगे और हमारी पार्टी के जो भी साथी होंगे वो लोगों के लिए अगले चुनाव में काम करने का मन बना लिया। अगले चुनाव में सिर्फ साथ देंगे या कुछ सीट लड़वाने का इरादा किया है? लड़वाने का इरादा भी है, लेकिन अब हालात को देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अपनी ताकत का पूरा अंदाज़ा है और हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से हमारी पार्टी पर कोई एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लगे कि हमारी वजह से वोटों का जो है वो बंटवारा हुआ है। और देश आज जिस दौर से गुज़र रहा है, तो मेरे ख़्याल से ऐसे मौके में अपनी ज़िद को छोड़कर हम लोगों को हालात को समझते हुए, वक्त का तकाज़ा महसूस करते हुए डिसीशन लेना है और जो पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी हमारी चर्चा होगी अगले हफ्ते में और जो उचित होगा वो लोग हम लोग फैसला करेंगे। अगली बार कितने सीट लड़वाने का इरादा किया महाराष्ट्र? उम्मीद तो हम लोगों की सीटों पर नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये चाहूँगा कि महाराष्ट्र के हर विभाग में, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, उत्तर महाराष्ट्र हुआ, विदर्भ हुआ या कोकण रीजन है, हर जगह पर पार्टी की उपस्थिति के लिए हम लोगों को सिंबॉलिक कैंडिडेट जो है वो देना है और आशा करते हैं कि भाजपा के लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, वो लोगों ने हमारे वर्कर्स का काम भी देखा है और आदरणीय पासवान जी की जो छवि है वो किसी से छुपी नहीं है। 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है और पार्टी भी जो है वो अब जवान हो चुकी है, 18 साल की हो गई है, तो हम लोगों को यहाँ से आगे ही बढ़ना है और उसके लिए हम लोग हाथ मिला करके अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रोग्राम? हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया है जिसमें आजीवन कार्यकर्ता जो है वो बनेंगे पार्टी के, और हमारे पहले से भी कार्यकर्ता तो थे ही, पासवान जी को मानने वाले लोग भी थे, लेकिन हम लोग कभी उनको ढंग से जो है वो एकत्रित नहीं कर पाए, तो ये अच्छा मौका है और इन हालात में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पार्टी जो है बहुत आगे जाएगी। उनकी जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरने के लिए हमारे पास अभी एक युवा चेहरा भी है, उनके आदरणीय पासवान जी जो है वो तो अब कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि चिराग पासवान जी ने भी अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से और पार्टी की आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है उसमें उनका जो उत्साह है और उनका जो सहयोग है उससे हम लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी।